दोस्तों यह वीडियो आपको YouTube में सक्सेसफुल बना देगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारना तो आसान होता है, लेकिन उनका खामियाजा बहुत अधिक हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों ऐसी कुछ गलतियां हम करते हैं YouTube चैनल चलाते समय। दोस्तों हर इन गलतियों को हर एक नया यूट्यूबर करता, मैंने भी की थी और आप भी शायद ने कर रहे होंगे। दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारे व्यूज़ नहीं आ पाते हैं, इसका कारण क्या है आज मैं आपको सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेक्नोलॉजी हम आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हम सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, YouTube पर अपना पूरा टाइम दे रहे हैं और पूरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बना रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट उसमें डाल रहे हैं देखते, लेकिन दोस्तों कुछ भी हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी चैनल रिकमेंडेशन में नहीं जा रहे हैं। दोस्तों इसका क्या कारण हो सकता है, तो आज मैं आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और स्किप मत करना, वरना आपके लिए थोड़ी सी भी जानकारी मिस हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों पहली गलती आपको मैं बताता हूँ हमारी क्या होती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कोई किसी से हम बातें करते हैं तो हमें जो चीज़ हमें पसंद आती है, यानी कि उसकी बात अगर हमें पसंद आई तो हम उसके पास ज़्यादा देर रुकते हैं, नहीं तो हमें उसके वहाँ से चले जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी आप वीडियो बनाओ तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि अपनी वीडियो में अपनी वॉइस को क्लियर रखना, यानी कि वॉइस अच्छी होनी चाहिए और ऐसे इस तरीके से बोलना कि लोग आपकी वॉइस को पसंद करें, यानी कि आपकी वॉइस में किसी तरह का बैकग्राउंड में शोर नहीं होना चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड में किस तरह की कोई ध्वनि नहीं आनी चाहिए। जब भी आप रिकॉर्डिंग करो अपने यहाँ पे जैसे भी अपने कमरे में या कहीं भी, तो आप वहाँ पे अपने जो भी फैन है, फैन वगैरह या कहीं से भी विंडो है जिसमें से हवा आती है उसको बंद कर दीजिए। दोस्तों इससे आपको फायदा क्या होगा कि अपनी ध्वनि आपकी है जो क्लियर जाएगी और लोगों को अच्छी लगेगी सुनने में। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी पहली गलती। दूसरा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आप क्या गलती करते हो। दोस्तों जब हमने देखा है कि कई लोगों के जो YouTube वीडियो होती है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होता है जिससे हम मजबूर हो जाते हैं उनकी क्लिक करने पर वीडियो को, और थोड़ा सा हम उसे देख भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे बहुत नुकसान भी है कि हम थोड़े से देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों क्लिक अगर आपका वीडियो अच्छी है तो आपको थंबनेल भी अच्छा बनाना होगा। दोस्तों थंबनेल अच्छा होगा ना तो लोग अपने आप आपकी वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों जब आपकी वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो अच्छी है तो दोस्तों आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों आप सबसे पहले अपने थंबनेल प्रक्रिया सुधारिए। दोस्तों सब ज्यादातर जो यूट्यूबर्स है थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल लैब का यूज करते हैं। दोस्तों आपको एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन, जितने भी लगे चाहे कितने भी लगे, इतने दिन नहीं लगेगा, बस मैं आपको बता रहा हूं आपको पिक्सल लैब का यूज सीखना, बिल्कुल आपको पिक्सल लैब का यूज सीखना, आपको थंबनेल बनाना सीखना सबसे पहले। दोस्तों ये हमारा मुखौटा होता है वीडियो का, और दोस्तों इसके बिना हमारी वीडियो अधूरी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। 90% रोल होता है इसमें थंबनेल का दोस्तों वीडियो वायरल करने में। तो ये दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती, आप थंबनेल बनाना पहले सीखिए अगर आपको वीडियो वायरल करनी है तो। दोस्तों अब मैं आपको आपकी तीसरी गलती बताता हूँ। दोस्तों अगर मान लो हमने अपनी वीडियोस की वॉइस भी सही कर ली, यानी कि वॉइस अच्छी डाल दी, उसमें थंबनेल भी अट्रैक्टिव बना दी, लोगों ने उसे पसंद भी कर लिया, यानी कि वो रिकमेंडेशन। अब दूसरी दोस्तों बात महत्वपूर्ण ये होती है कि वो अब लोगों के पास पहुँचनी भी चाहिए। दोस्तों लोग उस पर क्लिक तभी करेंगे जब उस वो अब लोगों के पास पहुँचेगी, और दोस्तों शुरू शुरू में आप जानते हो जब एक नया यूट्यूबर होता है तो उसके पास ना तो व्यूज होते हैं, ना सब्सक्राइबर्स होते हैं, ना किसी के पास वीडियो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, अब ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वीडियो का। तो दोस्तों हमें कुछ ऐसी गलती कर देते हैं टाइटल लिखने में। दोस्तों टाइटल वीडियो का एक मुख, एक तरह से मान लो उसके एक रास्ता होता है उसको लोगों के पास पहुंचाने का। दोस्तों अगर आपका टाइटल ऐसा है, वीडियो कुछ कह रही है आपकी और टाइटल कुछ और डाल रखा है, तो वीडियो आपकी कभी वायरल नहीं होगी। इसलिए दोस्तों पहले अपनी वीडियो के अनुसार टाइटल डालिए, जो आपने वीडियो में बताया उसे शॉर्ट में आप टाइटल कहते हो। दोस्तों शॉर्ट लिख दीजिए, उसे ऐसा लिख दीजिए कि पूरा वीडियो का वर्णन उस टाइटल से हो जाए, तो दोस्तों आपकी वीडियो 100% आप ग्रो कर जाएगी और वो वायरल होगी। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, टाइटल बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हो गए टाइटल की बात। दोस्तों इसमें अगली भूमिका निभाता है डिस्क्रिप्शन। दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। डिस्क्रिप्शन के बारे में आप जानते हो, डिस्क्रिप्शन का माने मतलब होता है यानी कि वर्णन, उस वीडियो के बारे में हम क्या क्या कहते हैं। दोस्तों अब डिस्क्रिप्शन लिखने के भी बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देख ली होंगी, और मैं भी आपको एक नई वीडियो आपके लिए बना दूंगा, बहुत अच्छी बनाऊंगा, जो आप अच्छा उसमें हैशटैग वगैरह कैसे यूज करते हैं, क्या क्या कहाँ पे लिखना, ये कहाँ पे लिखना है, आपको सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता
वीडियो वायरल करने में, तो डिस्क्रिप्शन हमें इस तरह से लिखना है कि उसमें हमें अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसका भी यूज करना है, अपनी पुरानी वीडियोज है उनको भी डालना है, उनकी लिंक डालनी है वहाँ पे, और हैशटैग उनका यूज करना। दोस्तों हैशटैग बहुत भूमिका निभा रहे हैं आज, हैशटैग का यूज अक्सर सब यूट्यूबर कर रहे हैं। दोस्तों आपको भी उनका यूज सीखना, अगर आप चाहते हो हैशटैग का यूज सीखना तो कमेंट बॉक्स में बताइए, दोस्तों मैं 100% आपको हैशटैग यूज करना सिखा दूंगा, और दोस्तों आपको इतना अच्छा बताऊंगा कि आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। दोस्तों ये हो गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप डिस्क्रिप्शन को, अब दोस्त को कुछ कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिखने में सर बहुत देर लगती है, इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता, तो डिस्क्रिप्शन लिखने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी उसे कैसे लिख सकते हो, तो बस आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बाकी का आपका पुराना काम आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगली गलती हमारे पास क्या, हम क्या करते हैं दोस्तों, हमने टैग कर दिया, डिस्क्रिप्शन कर दिया हमें लोग, अब अगली बार आती है टैग की। दोस्तों टैग लगाना बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि टैग का मतलब होता है कि हम लोगों को, किन किन लोगों को टैग करते हैं, हमारी वीडियो किससे रिलेटेड है। तो टैग लगाने के लिए बहुत अच्छी आपको स्टडी की जरूरत होती है। दोस्तों टैग आपकी मतलब कहते हैं ना कि आपकी भूमिका को और आपके शुरू से अंत तक बस टैग काम करता है। दोस्तों कुछ टैग ऐसे होते हैं जो वायरल करते हैं वीडियोज को, ज्यादातर यूट्यूबर से आप पूछ लेने, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनमें उनकी जो वीडियोज वायरल होती है टैग के कारण होती है। दोस्तों टैग लिखना आपको जरूर आना चाहिए, टैग कैसे लिखते हैं, कौन कौन से टैग यूज होते वीडियो में। दोस्तों अगर आप चाहते हो एक सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं टैगों की, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। दोस्तों टैग लिखना मैं आपको लाइव बताऊंगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर टैग का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों टैग बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, अगर आप चाहते हो टैग को, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों इसमें, मैं इसमें नहीं बता सकता, अगली वीडियो अगर चाहते हो टैग पे तो टैग लिखना मैं आपको जरूर सिखाऊंगा दोस्तों, टैग कहां से और कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां हमारे द्वारा की जाती हैं, और भी छोटी छोटी गलतियां दोस्तों, जैसे हमने चैनल को वेरीफाई नहीं करते हैं, यानी कि यूट्यूब पर जैसे हम गूगल पे अकाउंट बनाते हैं तो उसे वेरीफाई नहीं करते हैं, और कुछ छोटी छोटी और भी गलतियां होती हैं। दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए आपको चाहता हूं कि आप इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारें और अपने वीडियो को ग्रो करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, और अगली वीडियो के लिए कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।